तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो आप सभी को फिर से स्वागत है आदित्य ब्लॉग गया में। तो आज हम जा रहे हैं महेर पहाड़ घूमने के लिए। तो चलिए आप सभी को लेकर चलते हैं, महेर पहाड़ की लोकेशन दिखलाएंगे। बहुत मस्त है यहाँ का सीन, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देख सकते हैं मेरे पीछे का कितना मस्त लोकेशन आ रहा है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए तो गाइज, और बहुत बेहतरीन जगह है घूमने के लिए, आप लोग आ सकते हैं इस जगह को घूमने के लिए। तो चलिए आप सभी को आगे लेकर चलते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। और इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई लोग। तो चलिए आप सभी को आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए अभी हम रास्ते में हैं और जा रहे हैं, तो चलिए आप सभी को लेकर चलते हैं। बहुत मस्त है यहाँ का लोकेशन, इस जगह का खासियत आप सभी को आगे लेकर चलेंगे। तो देख सकते हैं इधर का व्यू बहुत मस्त है भाई लोग, एक बार जरूर आइए आप सभी लोग घूमने के लिए। महेर पहाड़ नाम तो सुना ही होगा, और जो लोग आए हैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग भी देख लेंगे इस जगह का। और यहाँ पे हो सके तो जितना लोग हो सके आइए इस मेरे वीडियो के माध्यम से, जितने भी लोग देख रहे हैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आप सभी को आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए जैसा कि आप सभी को दिखलाए थे, अभी हम जा रहे हैं तो अभी रास्ते में एक मंदिर मिला है, तो आप सभी को उस मंदिर का लोकेशन दिखलाएंगे और उस जगह का जो मस्त व्यू है आप सभी को दिखलाते हैं। तो देखिए हमारे पीछे कितना भयानक लग रहा है देखने में, थोड़ा सा देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यही मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है यहाँ का। यहाँ पे पहले एक बाबा रहते थे जो कि अभी कहाँ है भाई, बाबा गुजर गए बाबा को। तो देखिए हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो कि इनसे पूछे हैं यहाँ का जो बाबा रहते हैं वो कहाँ गए, गुजर गए। कब कितना समय हो गया, चार पाँच महीना हो गया बाबा गुजरे हुए, तो यहीं पे रहते थे वो बाबा इस झोपड़ी में। चलिए तो देख सकते हैं यहीं पे बाबा रहते थे पहले इस जगह के पास, देख सकते हैं इस जगह के पास बाबा रहते थे। यहाँ पे उनका खाना पीना सारा व्यवस्था, जो लोग भी आते थे घूमने के लिए सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके बाबा को देते थे। तो बाबा को तो गुजरे हुए 3-4 महीना हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं, अब तो यहाँ कोई नहीं रहता है इस जगह पे। तो देख सकते हैं थोड़ा सा सभी को पीछे दिखला देते हैं, तो देखिए यहाँ से कितना बेहतरीन जगह लौक रहा है, आप सभी को देख सकते हैं कितना बेहतरीन जगह आप सभी को घूमने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग आइए इस जगह को घूमने के लिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो लोग नहीं देखे वो लोग भी देख लेंगे इस वीडियो को। और थोड़ा भाई लोग ब्लॉग पे हम सपोर्ट करो भाई, वीडियो को शेयर वेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने लोग नहीं देखे उन सभी तक पहुंचाइए इस वीडियो को। और हम आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और चलिए आप सभी को लेकर चलते हैं जहाँ पे झरना जो पानी गिर रहा है ना, आप सभी को वहाँ का सीन दिखलाएंगे। बहुत मस्त है यहाँ पे, तकरीबन हो गया मेरे को आए हुए 3 से 4 साल हो गया। जो सीन है ये देखिए आप सभी को दिखलाते हैं, तो मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप सभी लोग, ये इसी जगह से पानी गिरता है। अभी तो थोड़ा कम गिर रहा है लेकिन बहुत गिरता था पहले, और बरसात ज़्यादातर बरसात के मौसम में ही यहाँ पे पानी गिरता है, और एक तरह से समझिए तो झरना है महेर पहाड़ का। सभी लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए, और थोड़ा देख सकते हैं हमारे पीछे कितना मस्त लोकेशन आ रहा है। तो चलिए आप सभी को आगे लेके चलते हैं। जो जगह देख रहे हैं आप सभी लोग महेर पहाड़ की है, जो कि आज हम आए हुए हैं। चलिए आप सभी को थोड़ा थोड़ा जहाँ जगह है आप सभी को दिखलाएंगे, इतना मस्त व्यू आ रहा है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और देख सकते हैं ये जो पेड़ है ना, यहीं से झरना स्टार्ट होता है, और इस जगह पे हम अभी हैं, इसी जगह से झरना निकलता है। तो आप लोग देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है भाई लोग, क्या सीन है पीछे का देख सकते हैं आप लोग। ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे पास में, ये जो बाउंड्री है ना, आप सभी को दिखला दें, यहाँ पे पेड़ पौधा जो होता है ना, यहाँ पे बीज बोया जाता है और ये यहीं के थ्रू जाता है,
और देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है महेर पहाड़। ऐसा व्यू आप सभी को पहली बार किसी ने नहीं दिखलाया होगा, जो भी वो आप सभी को हम दिखला रहे हैं, जो कि ये बिहार में ही पड़ता है। आप लोग आइए इस जगह को देखने के लिए, और बहुत बेहतरीन जगह है यहाँ का। देख सकते हैं हमारे पीछे कितना मस्त लोकेशन आ रहा है, जो कि महेर पहाड़ का सीन है ये। और आप लोग आइएगा इस जगह को घूमने के लिए, तो देख सकते हैं मेरे पीछे कितना भयानक दिख रहा है, आप सभी को देख सकते हैं। तो देखिए कितना मस्त सीन है पीछे का। और यहीं पे ये झरना है पास में ही, देख सकते हैं कितना मस्त है। तो चलिए आप सभी को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए दूसरों लोगों के पास। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।